जिलों को मिलाकर ग्रेटर नागालैंड बनाया जाएगा, जो कहते हैं कभी इतिहास में वैसा नागालैंड था। और इस सवाल को लेकर के बर्मा में भारत सरकार के प्रतिनिधियों के साथ और NCNMV के साथ समझौता हुआ। इसीलिए इस साल 15 अगस्त को नागालैंड में भारत का झंडा नहीं लहराया। मैंने ये सवाल 15 अगस्त को ही उठाया था और प्रधानमंत्री से इस पर मेरी खुली चर्चा एक टेलीविज़न के चैनल में हुई थी 15 अगस्त के दिन ही, कि आपने क्या गुप्त समझौता किया है बताइए। 14 अगस्त 2019 को पूरे नागालैंड के अंदर, नागालैंड के अंदर NSCNMV ने अपना झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया था। NSCNMV नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, मुत्तू मुवैया MV उसको कहते हैं, दो नेता हैं उसके। उनका एक लंबा इंटरव्यू पिछले दिनों एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार में भी निकला है कि हम इससे कम पर कोई समझौता करेंगे नहीं। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, मैं भारत का सदस्य नहीं हूं। और 15 अगस्त को मात्र जो भारत सरकार और NSCN के बीच में समझौता करा रहे थे, उन्हीं को मोदी जी ने, मिस्टर रवि को गवर्नर बनाया नागालैंड का। 15 अगस्त को मात्र एक जगह नागालैंड में देश का झंडा लहराया था, वो था गवर्नर हाउस, मुख्यमंत्री निवास पर भी नहीं लगा था। बताइए कि क्या समझौता हुआ। और इसीलिए अरुणाचल, जिसके ऊपर चीन की निगाह है, बार बार चीन के लोग उसमें घुसते हैं, चीन मानता ही नहीं है कि अब अरुणाचल भारत का अविभाज्य अंग है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की साफ समझ है कि अरुणाचल और जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। इसलिए आपने जला दिया। आज सारे बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स आसाम के और नॉर्थ ईस्ट के, जो BJP के साथ थे लोकसभा के चुनाव में, सब छोड़ के भाग रहे हैं। गोली आपने 4 लोगों को मार दी है। वहाँ महिलाएं सड़कों पर निकल पड़ी हैं, जिन मातृशक्ति आप कह रहे थे वो मातृशक्ति निकल पड़ी है। इतने कम समय में आसाम की BJP की सरकार डिस्क्रेडिट हो गई, नॉर्थ ईस्ट में डिस्क्रेडिट हो गई। और आज कोई भी जनता, मणिपुर की जनता, मणिपुर की भाजपा की सरकार को और आसाम की भाजपा की सरकार को के आदेश को नहीं मान रही है। वहाँ एक रास्ता लेकर के जबरदस्ती मेघालय में सरकार बनाई गई BJP की। आज उसके भी खिलाफ लोगों के अंदर बड़ा रोष है। इसलिए उनके नेतृत्व के लोगों को बुलाइए। वो सेंसिटिव स्टेट है, उसे जम्मू कश्मीर के निगाह से कश्मीर की तरह उसको मत ट्रीट कीजिए। कश्मीर की तरह अगर नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को हल करने की ताकत के जरिए कोशिश की गई तो गड़बड़ हो जाएगा। 9 लाख भारत के सिक्योरिटी फोर्स और फौज कश्मीर में तैनात है, तब स्थिति नहीं सुधर रही है। वहाँ से 2 लाख सेना के जवानों को और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ भेजा जा रहा है। कैसे स्थिति सुधरेगी? चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो बनते रहेंगे, देश की खदान आप देश के कॉरपोरेट घरानों को बेचते रहेंगे, विदेशी कंपनियों को इस देश के अंदर सब लूटने की इजाज़त देते रहेंगे, लेकिन देश की सीमाएं बचाना सबसे बड़ा काम है। इसलिए संसद के इस सत्र में एक अलग से चर्चा नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं पर फिर से कीजिए। शक्ति बल की बुनियाद पर NRC और CAB को पास करा के नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों और RSS के लोगों अपना पुरुषार्थ मत दिखाइए। आपके पुरुषार्थ दिखाने से देश को गहरा क्षति हो सकती है और जनता इनकाउंटर का समर्थन करती है। ये क्या सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था के प्रति चुनौती नहीं? क्योंकि 18 साल के बाद, 17 साल के बाद बलात्कार के प्रश्न पर आप निर्णय दे रहे हैं। यहाँ कल रांची में भी 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ है, आरोपी पकड़ा गया है।
मैं मांग करूंगा राजस्थान, ये क्या कहते हैं, झारखंड के चीफ जस्टिस से कि वो राजस्थान के हाई कोर्ट के एक फैसले की तरफ देखें, जहां एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार करने के बाद 6 महीने के अंदर डेली करके उस व्यक्ति को एक लंबी सजा दे दी गई। यहां भी 2 महीने में इस काम को पूरा कर देना चाहिए, और अगर पुलिस इस काम में असफल रहती है आरोपियों के खिलाफ, ये नहीं लिया जाना चाहिए कि सीआरपीसी कहता है कि 90 दिन में चार्जशीट दाखिल की जाए, कोई 90 दिन का चार्जशीट नहीं हो, तत्काल चार्जशीट दाखिल कीजिए वारफुट लेवल पर और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अंत में नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि एनआरसी और सीएबी तो आपने पास करा लिया, लेकिन आपने देश को जला दिया, पूरा पूर्वोत्तर राज्य जलकर धधक रहा है। और मैं पहली बार भारत की मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक को और प्रिंट मीडिया को साधुवाद देना चाहता हूं कि गंभीर परिस्थितियों पर उन्होंने जनता के सामने सही और सच्ची तस्वीर पेश की है, जिससे मालूम पड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट वैसे ही सरहद के चीन देश और भारत विरोधी देशों का और अमेरिका के द्वारा षड्यंत्र का केंद्र रहा है एक लंबे अरसे से। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और भारत विरोधी देश वहां अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते रहे। इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता कि नेफा का क्षेत्र क्या था और आज 7 सिस्टर स्टेट्स को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि एक अलग 7 स्टेट स्टेट बनाएंगे, वो नहीं चलेगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, आप जिम्मेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि नागालैंड में NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड MV के साथ जो समझौता गुप्त किया है, उसके ये दुष्परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है नागालैंड के उग्रवादियों के साथ मिलकर कि अरुणाचल के 6 जिले, मणिपुर के 3 जिले लाखों नौजवान निकल लिए, क्या रोजगार के अवसर में, 1/3 जमीन झारखंड की कॉरपोरेट हाथों के घराने के कब्जे में चली गई है। इसलिए खनिज संपदा को बचाने का सवाल है, ये बचाने का काम सिर्फ युवा और नौजवान कर सकते हैं और प्रबुद्ध मतदाता कर सकते हैं। इसलिए उनसे अपील है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कि जहां लाल झंडे के लोग लड़ रहे हैं उन्हें वह समर्थन दें, उन्हें अपना विश्वास दें। हम उनसे इतना कह सकते हैं कि हम आपके सवाल विधानसभा में उठाएंगे, नए झारखंड को बनाने की पूरी शक्ति लगाएंगे, अपने सिद्धांतों और नियमों से एक साफ, पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे और झारखंड को नए रास्ते पर ले जाने के लिए आगे बढ़ेंगे। ना हम बिकेंगे और ना हमारा कोई साथी बिकने के लिए तैयार होगा, ये गारंटी हम झारखंड के मतदाताओं को देना चाहता हूँ। गिरता हुआ मतदान का स्तर, प्रतिशत, हम कोई लोग कह सकते हैं कि 60-65% का मतदान बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले 2019 की तुलना में, 2014 के चुनाव परिणाम और 2019 के चुनाव परिणाम में ये जो 5% का अंतर दिखाई दे रहा है, ये गंभीर अंतर है। हमने देखा है कि छोटे राज्यों में मतदान का स्तर ऊंचा रहता है, जिन राज्यों में एक शहरी जनता के तुलना में अर्ध शहरी ग्रामीण लोगों का की संख्या ज्यादा होती है, वहां मतदान का प्रतिशत ऊंचा होता है। मतदान का प्रतिशत जब ऊंचा होता है तो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ वो व्यवस्था विरोध के अंदर भी परिवर्तित हो जाता है, और मतदान स्तर जब नीचे गिरता है,
इसका मतलब है कि सत्तारूढ़ जनता से जो सत्तारूढ़ दल से जनता को जो आशा थी वो आशा पर खरी नहीं उतरी। अरे कौन जाता है वोट देने, क्या मिल जाएगा, नैराश्य की भावना भी होती है। झारखंड इसी दो में फंसा हुआ है। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि जिस रांची राजधानी पर झारखंड बनने के 19 वर्षों में सबसे ज़्यादा पैसा विकास का खर्च किया गया, वहीं मतदान का स्तर सबसे कम है। यह एक गंभीर संकेत है कि प्रबुद्ध मध्यवर्गीय जन और मध्यवर्गीय व्यापार करने वाले लोग, व्यवसायी वर्ग, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हट रहा है और इसकी जिम्मेदारी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और रघुवर दास जी की है, ऐसा मुझे आभास मिला है कि जमशेदपुर में श्री रघुवर दास जी की को बहुत कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है और मैं CBI से, IB से और चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग से कहना चाहता हूँ कि रघुवर दास जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से अमर्यादित रूप से राज्य की सरकार की मशीनरी का और उससे भी ज़्यादा धन बल का प्रयोग किया गया है, इसकी जांच कराएं, क्योंकि बड़े पद के और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के और केंद्रीय मंत्रियों के क्षेत्र में अगर धन बल का प्रयोग होता है तो ये संसदीय लोकतंत्र को शमशान यात्रा पर ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। केंद्रीय चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतया निभाने में, जनाकांक्षाओं के अनुरूप कार्यरत नहीं दिखाई दे रहा, ये अतुल कुमार अंजान बार बार कह रहे हैं। श्री रविशंकर प्रसाद जी ने जो कहा है कि रेप के संबंध में और पॉस्को के संबंध में मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट्स को जो पत्र लिखा है, ठीक है, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। स्वाति माहिवाल जो दिल्ली राज्य सरकार की महिला आयोग की अध्यक्ष है, आज 11वें दिन तक उनकी भूख हड़ताल चल रही है, बड़ी बुरी स्थिति में उनका शरीर है, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं गया। हम इसकी आलोचना करते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ 2 माह के अंदर ही जितने भ्रष्टाचारी आरोपी और खास तौर से रेप के आरोपी हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चला करके फास्ट ट्रैक में जल्दी निर्णय लिया जाए। ये निर्णय 1.5 साल पहले का लिया गया लेकिन अभी तक काम नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इस दिशा में ध्यान देना चाहिए, अन्यथा सिर्फ ये कह देने से कि न्याय के प्रति लोगों का न्यायपूर्ण रुख न होने से अन्याय होता है, इससे काम नहीं चलेगी। और सिर्फ इस बात को देखने की जरूरत है कि किन परिस्थितियों के चलते आज बलात्कारियों को लोग घेर रहे हैं और क्या कारण है, क्योंकि पिछले चुनाव में वह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और अब की चुनाव के अंदर बाहर हो गए। लोकसभा के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और अभी फिर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो कालनेमी का खेल है, इससे बचने की जरूरत है। ये जो बात है कि आप बाहर रहेंगे और फिर अंदर चले जाएंगे, कृपया झारखंड में 2 चरणों के चुनाव के मतदाताओं से अपील है कि वह अपने मतों का दुरुपयोग न होने दें और हरियाणा को न दोहराएं। हरियाणा की दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने 1.5-2 साल भाजपा के खिलाफ जनअभियान चलाया, अपने पेरेंट पार्टी से बगावत की और जनसेवक जनता दल बनाया और उसके बाद मत लिए भाजपा के विरोध में और बाद में पूरे के पूरे तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को लेकर के बिक गए। मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, बिक गए।
और बिकने में मंत्री बनाए अपने, उप मुख्यमंत्री हो गए दुष्यंत चौटाला, और सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को भ्रष्टाचार में जेल में बंद कर रखा था लंबे अरसे से, उनके उनके ग्रैंडफादर, उनके पिता, उनके चाचा श्री अभय चौटाला, श्री अजय चौटाला और उनके दुष्यंत चौटाला के ग्रैंडफादर ओम प्रकाश चौटाला को जेल से शपथ लेने के बाद ही छुड़वा लिया। भारतीय जनता पार्टी जो नीति और नियत की बात करती है और नैतिकता की बात करती है, ये देख लीजिए नैतिकता कहाँ है। कि जिसके खिलाफ, जिस अभय चौटाला, अजय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अभियान चलाए थे पूरे तीन एक साल से चुनाव में, उन्हीं को लेकर के सरकार बना रहे हैं, उन्हीं को जेल से छोड़ रहे हैं। जैसे मैं झारखंड के प्रबुद्ध मतदाताओं से, युवाओं से और नौजवानों से कहना चाहता हूँ, परिवर्तन के लिए सोचें, वामपंथी जनवादी शक्तियों को वोट दें, न बिकने वाली ताकतों को वोट दें जिनका एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है और जो इस क्षेत्र के जल जंगल जमीन को बचाने की एक सुनियोजित योजना रखते हो, इकोनॉमिक पॉलिसी रखते हो, सोशल पॉलिसी रखते हो, माइनिंग पॉलिसी रखते हो और ओवरऑल सोसाइटी के डेवलपमेंट की पॉलिसी रखते हो। ऐसा न कहें कि हम झारखंड के नौजवानों को झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। इन झारखंड के चुनाव में तरह तरह की शक्तियां काम कर रही हैं, तीन चरणों के चुनाव के बाद मेरी अपील दो पार्टियों से है, एक झारखंड विकास मोर्चा के श्री बाबूलाल मरांडी जी से जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे है, और दूसरी अपील मेरी आजसू से है कि यह सार्वजनिक रूप से इसके नेता ये ऐलान करें कि किन्हीं भी परिस्थितियों में वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में समर्थन नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन इसलिए नहीं करेंगे कि मैं इसलिए मैंने इस बात को कहा क्योंकि उनकी सरकार है अभी, क्योंकि यह दोनों ही पार्टियों ने पिछले 2014 के चुनाव में झारखंड में जो आज सरकार बनाई है जिसके चलते बहुत सारी समस्याएं जनता की और जटिल और जटिलतम हो गई, उसके मूल में ये दोनों पार्टियां, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रहे, उसके मुख्यमंत्री रहे, वो अपने दल और दल के लोगों को एकजुट नहीं रख सके, और आजसू के लोग जिसका पूरा नाम है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जब झारखंड के निर्माण का संघर्ष चल रहा था तो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बना था, इन्होंने इसको पार्टी में कन्वर्ट कर दिया, अब इनको अपना नाम बदल देना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स बिका नहीं करते, बिकने वाले लोगों को या अपने निहित स्वार्थों के लिए छात्रों को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, लिहाजा आप अपने पार्टी का नाम बदलिए। क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आसाम के अंदर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन बना था और जब वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुए तो आंसू नहीं रह गए थे, वो AGP हो गए थे, असम गण परिषद हो गए थे। इसीलिए झारखंड के तमाम नौजवानों, विद्यार्थियों, मेहनतकश लोग और आदिवासियों के साथ न्याय करने के लिए इस पार्टी को पहला न्याय ये करना चाहिए कि अपना नाम बदल देना चाहिए, और अगर आप अपना नाम नहीं बदलते इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट्स को एक और यूथ को, युवा शक्ति को, छात्र लोगों को आप